सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमके एग्जाम प्रिपरेशन और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल एमके एग्जाम प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम मैथ्स के मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक क्यूब एंड क्यूबाइट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है और CGPSC CGPAP में जब ये क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। एग्जाम में आपको इस टॉपिक से 4 या 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें एक ड्राइंग दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए आ जाते हैं। इसमें मैंने बेसिक के साथ फार्मूला और इसको सॉल्व करने के ट्रिक को एक्सप्लेन करा है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग क्यूबाइड मीन्स घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यह लेक्चर यूजफुल लगे तो लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करके रखना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम घन और घनाभ का रीजनिंग पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट्स होता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस को छोड़कर ही आते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि CGPSC कई बार या फिर CGVAPM ऐसे क्वेश्चंस को दे देता है और इससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चंस को ऐड कर देता है और लोग इसको छोड़ देते हैं। ये स्कोरिंग होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना होता है और बहुत ही इजी होता है। तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले घन को पढ़ेंगे, घन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड लेक्चर में घनाभ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, घन पासा की तरह एक त्रिविमीय आकृति है, अर्थात पासा को भी घन कह सकते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। तो घन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। यहाँ ड्राइंग में देखिए, ये एक घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर है। तो घन में कितने सतह होते हैं? सतह अर्थात सरफेस, 6 सतह होते हैं। यहाँ देखिए, ये अपना फर्स्ट हो गया, फिर इसके अपोजिट वैसे ही ऊपर से, और इसके अपोजिट, और ये वैसे ही इसके दाएं से, और इसके अपोजिट, मतलब कुल मिलाकर 6 सतह हो गए। और इसमें कितने किनारे होते हैं? तो यहाँ देखिए, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 4 किनारे हो गए, इसके अपोजिट भी 4 हो गया, वैसे यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, और इसके अपोजिट 4 हो गया, और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 4, और इसके भी अपोजिट 4 हो गया, अर्थात इसमें किनारे कितने हैं? तो टोटल इसमें 12 कॉर्नर है। और इसमें कोनों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, ये 1 कोना हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, वैसे नीचे में भी 4 कोना हो जाएगा। तो यहाँ कोनों की संख्या कितनी है? 8 है। तो फ्रेंड्स, इन तीनों को आप याद रखिए, क्योंकि ये बेसिक है और इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो चलिए, मैं आपको इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, और इसके 3 या 4 फार्मूले हैं जिसे आपको याद करना ज़रूरी है, और मैं एक और ट्रिक बताऊँगा कि आप फार्मूला को याद किए बगैर कैसे सॉल्व करोगे। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, विभिन्न रंगीन सतहों वाले घनों की संख्या कैसे ज्ञात करना है, उसके लिए यहाँ पे 4 फार्मूले हैं। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए 3 सेंटीमीटर के घन को ले लिया है, जिसको 1-1 सेंटीमीटर के 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो देखिए, सेंट्रल क्यूब अर्थात मध्य में जो घन है उसकी संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? 6 × (n-2) का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ पे कैसे आया, तो इसको देखिए, अगर मध्य में हमको घन निकालना है तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 9 घन दिख रहे हैं और उसके मिडिल में 1 घन आ रहा है। देखिए यहाँ पे वैसे ही 6 सरफेस होंगे, उसके मिडिल में 1-1 घन हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6 हो गया सरफेस का। और n कैसे आया? तो यहाँ देखिए, जैसे मैं 3 सेंटीमीटर के घन लिया हूँ, तो बड़े घन की भुजा कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर, और छोटे घन मतलब जितने में डिवाइड किए हैं, तो 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड किए हैं, तो 3/1 n हमारा ऐसे ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे n ले लेंगे और n-2 कर देंगे, ठीक है, फिर उसको होल स्क्वायर करेंगे, तो हमारा सेंट्रल क्यूब निकल जाएगा। और आपको अगर ये फार्मूला याद नहीं रखना है तो आप याद रखिए, 3 सेंटीमीटर वाले में जितने सरफेस होगा उन सभी में 1-1 घन होगा। यहाँ देखिए, 1-1 घन दिख रहा है आपको सभी में, वैसे इसके जो अदृश्य सतह है उसमें भी 1-1 घन हो जाएगा, तो 6 घन आ जाएंगे। इसके हिसाब से लंबाई बढ़ेगा तो घन की संख्या भी बढ़ते जाएगा। अब देखिए, मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब किसको बोलेंगे? तो यहाँ देखिए, इन सभी को मिडिल क्यूब बोलेंगे। यहाँ देखिए, 4 दिख रहे हैं यहाँ पे ऊपर में मिडिल क्यूब, यहाँ देखिए 12 × (n-2), तो 12 कैसे आया है? तो प्रत्येक घन में 12 किनारे होते हैं, तो 12 × (n), n कैसे आया पता चल गया, फिर -2 कर देंगे,
तो माइनस टू करेंगे तो आपका मिडिल क्यूब निकल जाएगा। और आपको अगर मिडिल क्यूब इस फॉर्मूला से नहीं निकालना है तो आप याद रखिए, यहाँ एक किनारा छोड़िए और यहाँ एक किनारा, और बाकी जितने भी बचेंगे वो मिडिल क्यूब होंगे। वैसे यहाँ छोड़ देंगे तो वहाँ वैसे ही होगा। तो ऊपर को आप गिन लीजिए, फिर जितना सतह है उसमें उसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा। ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके आप फार्मूला को याद रखिए, क्योंकि फार्मूला में डायरेक्ट डाटा रखने से आंसर आ जाता है। अब देखिए कॉर्नर क्यूब। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कोनों की संख्या बताए हैं, आठ होते हैं। किसी भी फलक में आठ होगा, क्योंकि फलक का जो आकार है वो कैसे होता है, पासा के समान। तो कोनों की संख्या आठ है, तो इसका कोई फार्मूला नहीं, बस इसको आपको याद रखना है। अब देखिए इनर क्यूब। इनर क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये यहाँ पे देखिए घन है। अब इसको हम लोग बराबर एक भागों में एक एक सेंटीमीटर में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीन है, तो तीन का क्यूब करेंगे मतलब 27 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 27 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो 27 भागों में डिवाइड होगा, उसके बाद जो बीच में जो संख्या बचेगा घन का संख्या, उसी को इनर क्यूब बोलते हैं, आंतरिक घन। तो उसको निकालने के लिए फार्मूला एन माइनस टू होल क्यूब, इस फार्मूला से आपको वो घन मिल जाएगा। किसी भी घन में, चाहे वो 3 सेंटीमीटर भुजा हो या 6 सेंटीमीटर या 7, 8 जो भी, उसमें कितना कटिंग करना है, इस चीज़ को कैसे निकालना है, तो ये फार्मूला है उसके लिए शॉर्टकट। ये बुक में भी आपको नहीं मिलेगा, इसको आप याद जरूर कीजिएगा। अब फ्रेंड्स, जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो बैंक पीओ 2008 में आया हुआ है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन की विपरीत सम्मुख सतहों को काला रंग से तथा शेष सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। इस घन को बराबर आयतन वाले 27 घनों में विभाजित कर दिया गया है। नीचे 4 से 5 आपको प्रश्न दिए रहेंगे, जिसको इस आधार में सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है, उसको 27 घनों में विभाजित किया गया है। यहाँ देखिए तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन क्यूब इक्वल टू अंडर 27, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि पहले से हमें 27 दे दिया है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि 3 सेंटीमीटर भुजा एक एक सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगी 3 भाग में, तो इधर से भी 3 और उधर से भी 3, तो टोटल हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे घनों की संख्या जिसकी एक सतह रंगीन है। मैंने आपको बताया है फार्मूला, डायरेक्ट पूछा गया है सेंट्रल क्यूब को, मतलब कि मध्य में कितने घन होंगे। तो उसको आप लोग यहाँ पे फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और शॉर्टकट ट्रिक से भी। पहले फार्मूला से निकालना देखते हैं। तो 6 इंटू एन माइनस टू होल स्क्वायर, और 6 कैसे आया, तो इसके 6 सतह हैं, तो एन के वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए हैं 3, एन को वैल्यू कर रख दीजिए, तो यहाँ पे 6 आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए वो बोला है क्वेश्चन कि उसके मिडिल में जो एक एक सतह है उनकी संख्या निकालिए। तो यहाँ देखिए सभी का मिडिल दिख रहा है, यहाँ देखिए 3 मिल गया, यहाँ पे 3 सतह अदृश्य है, तो उसमें भी कितने हैं, 3, मतलब कि टोटल 6 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे घन जिनकी एक सतह काला है, यहाँ पे केवल 2 सतह को काला रंग से रंगा गया है, बाकी सारे को रेड कलर से रंगा गया है। तो आप यहाँ फार्मूला से सबसे पहले निकालना सीखते हैं, 2 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। तो एन का वैल्यू पता है कितना है, तो 3, और यहाँ पे 2 का क्यू लिखे हैं, तो केवल 2 सतह काला रंग से रंगा गया है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू रख दिए तो 2 इंटू 1 आ गया, फिर यहाँ पे 2 हमारा आंसर आ गया, जिनकी केवल एक सतह काला है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे घन जिनकी एक सतह लाल है। अब उसी क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया है, जो ऊपर में पूछा गया था कि एक सतह लाल है, ऐसे घनों की संख्या निकालिए, तो कितने सतह लाल रंग से रंगे गए हैं, तो 1, 2, 3 और 4, 4 सतह को लाल रंग से रंगा गया है। तो यहाँ पे 4 रखे हैं फार्मूला में, इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, एन के जगह में 3 रखिए, फिर 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे 4 आंसर आ गया, ऐसे घनों की संख्या जिनका केवल 2 सतह काला है। यहाँ पर देखिए ऐसा कोई भी घन नहीं है, क्योंकि देखिए केवल 2 सरफेस को काला रंग से रंगा गया है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो मिडिल क्यूब है वही आएगा जिसका 2 सतह रंगा और रंगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ब्लैक से है और एक रेड से है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पूछा क्या गया है, 2 सतह जिसका काला है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी घन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऐसे घन जिनकी 2 सतह लाल रंग से रंगे गए हो, ऐसे घनों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कितने सरफेस को लाल रंग से रंगा गया है उसको देखेंगे। तो 4 सरफेस को रंगा गया है, तो फार्मूला में उसी के रख दिए हैं 4
इंटू एन माइनस टू इसका फार्मूला हो जाता है। तो एन कितना है, एन है हमारा 3, रख दिए तो आ गया यहाँ पे हमारा आंसर 4। अगर आपको फार्मूला से नहीं निकालना है तो उसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ ड्राइंग में देखिए कि ऐसे कण जिनके दो सतह लाल रंग से रंगे गए हो, अर्थात वो पूछना चाह रहा है मिडिल कॉर्नर को, मतलब इस वाले भाग को। तो यहाँ देखिए 1 हो गया, वैसे यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और कितने सतह है हमारे पास, 4 है, 4 सतह है, तो उधर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और वहाँ पे 1 और, मतलब टोटल 4 हो गया। तो यहाँ पे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, 4 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर इसी में 6 है, ऐसे घनों की संख्या जिनकी एक सतह काला व दो सतह लाल रंग से रंगे हो। इसमें जो कॉर्नर में दिया गया है उसी को पूछना चाह रहा है सीधा सीधा। तो कॉर्नर के लिए कितने कोनों की संख्या होती है, 8 कोनों की संख्या, तो यहाँ पे सीधा आंसर आ जाएगा 8, इसको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसे घनों की संख्या जिनके तीनों सतह लाल हो। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो सतह को काला रंग से और बाकी सारे सतह को लाल रंग से रंगा गया हो, तो और इसमें क्या पूछा गया है, तीनों सतह लाल रंग के हो, तो 0 हो जाएगा। ड्राइंग में और आपको समझाता हूँ, वो सीधा कोनों की संख्या को पूछना चाह रहा है। तो यहाँ देखिए, वहाँ पूछा गया है कि ऐसे घनों की संख्या जिनके तीन सतह लाल रंग से रंगे गए हो। तो यहाँ देखिए, एक तो यहाँ पे रेड है, यहाँ भी रेड है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक आ गया, तो ऐसे घनों की संख्या 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे घनों की संख्या जिनके तीनों सतह रंगीन हो। यहाँ पर कोई ऐसा कंडीशन नहीं दिया गया है कि केवल लाल से हो या फिर केवल काला से हो, कोई भी कलर का हो सभी चलेगा, यहाँ पे वही बोला जा रहा है, कोई भी कलर का हो। तो यहाँ पे जैसे ब्लैक है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, तो ऐसा चल जाएगा। तो कितने कोने होते हैं हमारे पास किसी भी घन में, 8 कोने, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसको SSC CHSL ने 2010 में पूछा था, यदि 64 छोटे घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है तो कितने छोटे घन के दो फलक दिखाई देंगे। तो यहाँ देखिए, 64 घन अर्थात 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64, मतलब कि घन की भुजा क्या होगी, 4 हो जाएगी, इधर से भी 4 और इधर से भी 4। यहाँ देखिए 1, 2, 3 और 4, वैसे यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 64 खाना हो गया। अब बोला गया है कि ऐसे घनों की संख्या जिनके केवल दो सतह दिख रहे हों, तो ये हो गया 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, क्योंकि इसका भी दिख रहा है देखिए दो सतह, वैसे ही इसका दिख जाएगा, इसका दिख जाएगा, इसका दिख जाएगा और इसका, वैसे ये ऐसे करके यहाँ पूरे दिख जा रहे हैं। तो मिडिल क्यूब में कितना होगा, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 8 हो गया यहाँ पे। वैसे ही उसके अपोजिट कितना हो जाएगा, 8, तो 8 + 8 = 16 हो गया। अब देखिए, इसके कोनों में भी दो सतह दिख रहा है, ये और ये, और ये नीचे वाला, तो कितने कोने हो गए, 4 कोने हो गए, मतलब कितने हो गए घन यहाँ पे, 4 × 8, तो 16 और 8 = 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में घनों की संख्या कितनी है। इसे भी SSC CHSL ने 2012 में पूछा है। तो यहाँ पे सिंपली आपको घन को गिनना है। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ 5 हो गया, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये हो गया 1, 12, बाकी ये जो डिज़ाइन है वो नहीं गिना जाएगा। तो यहाँ पे घनों की संख्या कितनी है, 12। अगर आपको लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।